हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो बेसिकली आज है संडे और हमारी सोसाइटी वालों ने सोचा है कि चले रायगढ़ फोर्ट के ट्रैक के लिए। यस गाइस, एक दिन पहले ही मुझे इनविटेशन आया नायर साहब का और उन्होंने पूछा कि वुड यू लाइक टू जॉइन अस। सो मैंने एक झटके मैंने कह दिया कि वाई नॉट, आई एम इंटरेस्टेड, आई वुड लाइक टू जॉइन इन। सो बेसिकली मेरे साथ अभी रहने वाले कुछ 20-22 लोग, इंक्लूडिंग किड्स। यस गाइज, सारे जेंट्स और किड्स ही रहने वाले हैं। हमारे साथ है कोलेकर साहब, हमारे साथ है नायर सर, हमारे साथ है कदम जी, हमारे साथ रहेंगे सावन जी जो कि दूसरे बिल्डिंग में रहते हैं बाय द वे। बट यस गाइज, बहुत मज़ेदार रहने वाला है। और किसका नाम लूँ, यस विजय साहब भी हमारे साथ है एंड यादव जी, पांडे जी को कैसे भूल सकते हैं, पांडे जी क्या बात है। ओके, और हमारे साथ कुछ और दोस्त लोग भी रहने वाले हैं, सो जिसका नाम नहीं पुकारा होऊंगा मैं अभी, तो प्लीज़ माफ़ कीजिए। सो चलो गाइस, हाँ ओ माय गॉड, कैसे बोल सकता हूँ, जीशान भाई कावासाकी वर्सेस 650, ओ यस। और यस, हमारे साथ सवान और देशमुख सर भी है, कैसे बोल सकता हूँ, मेरे घर के ऊपर ही तो रहते हैं। सॉरी सवान साहब, सॉरी देशमुख सर। सो बेसिकली हमारे साथ है कुछ 6-7 बाइक्स और 3 फोर व्हीलर्स। सो एल्टो है एक, एक है वैगनर और एक है XUV 500। सो फाइनली हम लोग राह पर निकल पड़े हैं हमारे मंजिल की ओर, रायगढ़ फोर्ट। सो फीलिंग रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मोमेंट। काफ़ी सालों बाद जा रहा हूँ रायगढ़ फोर्ट। रायगढ़ फोर्ट को मैंने पहले भी विजिट किया है, समवेयर अराउंड 2018 या 2017 में मैं गया था मेरे कज़न प्रशांत के साथ। तो इस तरह से हम लोग चल पड़े हैं राही मंजिल की ओर। वाह, व्हाट अ फीलिंग। सुबह का सनराइज भी नहीं हुआ है और बाइक राइड स्टार्ट भी हो गई, वो एक अलग ही मोमेंट रहता है। सीरियसली गाइज, बहुत अच्छी ठंडी है, ठंडा ठंडा मौसम है, जैकेट्स पहने हैं बहुत सारे लोगों ने। और प्लीज़ गाइज, जो भी मेरे साथ राइड कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आई वुड लाइक टू सी यू इन प्रॉपर केयर्स। नेवर माइंड, हम लोग सब लोग साथ में हैं तो हेल्प ज़रूर मिलेगी, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेफ्टी फर्स्ट। सो फाइनली मुझे पेट्रोल पंप मिल गया, मेरे बाइक को थोड़ी सी राहत मिल गई, उसको अपना खुराक मिल गया। बेसिकली मैंने कुछ खाया नहीं आज सुबह, तो लेट्स सी कब तक खींचेंगे हम लोग ये भूखे पेट की राइड। सो आपने अभी देख ही लिया रहेगा मेरे टैंक पे, फ्यूल टैंक पे वॉन्डर राजिंग के का स्टिकर है जिस पे नीचे लिखा भी है सब्सक्राइब। और इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। एक्चुअली हम लोग का हॉल्ट था श्रीकर ढाबा में, तो वहाँ पे रुकना था, बट हम लोग 7 किलोमीटर आगे आ गए, तो हम लोग यू टर्न ले रहे हैं अगेन। 10 मिनट के दूरी पर एक है, लेट्स सी। कोई बात नहीं, तो दिस इज द प्लेस श्रीकर ढाबा। क्लाइमेट बता देता हूँ आपको, क्लाइमेट इंटरेस्टिंग, क्लाइमेट मोस्टली सनी। क्या गलत बताता यार, मोस्टली फॉगी होना चाहिए था, मोस्टली सनी बता रहे। 22 डिग्रीज है अभी। हाँ चलो नाश्ता कर लेते हैं, पेट पूजा, मेरे को भूख लगा ही था एक्चुअली।
फाइनली हम लोग पहुंच गए रायगढ़ के हम लोग अभी ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक 10:30 हो रहे, बहुत लेट हो गया क्योंकि हम लोग ये फोर व्हीलर्स थोड़े लेट आ गए। हम लोग एक घंटा पहले ही पहुंच गए थे। हमारे साथ है अभी पांडे जी, बिजॉय जी और ये भाई साहब ईशान और कुछ हमारी आमची मंडळी अजून खाली बाकी आहेत। कोळेकर साहेब आणि ती बघा कोळेकरांची गाडी, येस वॅगनर जी आहे, त्यांच्यासाठी थांबलो होतो। हे आहेत आमचे कदम सर आमचे तिकीट्स घेत आहेत। और हमने ऍक्च्युली और एक है बात की हम लोग ने गाइड भी अपॉइंट किया है। सो हम लोग पांडे जी नमस्ते, नायर जी, जीशान जी, क्या बात है, सब लोग मास्क पहने हुए। ओके सो हम लोग अभी ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। 10:40 हो गया ऑलमोस्ट, सो एवरीवन इज एंथुजियास्ट और हम लोग अभी फाइनली अपना ग्रुप आपली मंडळी सगळी चढत आहेत रायगडावर। वाव व्हाट अ फीलिंग। यहाँ पे आने के बाद ये भाई साहब तो दिखेंगे ही जरूर, क्या बात है, लवली वंडरफुल फीलिंग। तो कुछ ही देर में हम लोग जस्ट 10 मिनट ऊपर चढ़े और ये भाई साहब जो कैप में है मिलिट्री कैप में, ये हमें पूरी हिस्ट्री बताएंगे रायगढ़ के ऊपर। सो थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं दूंगा गाइस। मैं किस लिए हूँ, आपका होस्ट, आपका दोस्त। ये भाई साहब अभी बता रहे हैं हमें कि नीचे ये रायगढ़ फोर्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, ये कभी बिल्ड हुआ था और इसकी खासियत क्या है। ऊपर एक एक पॉइंट्स पर हम लोग रुकेंगे और उसकी जानकारी हम देते रहेंगे। फाइनली हम लोग पहुंचे पहले हमारे व्यू पॉइंट पे हिरकणी बुरुज के यहाँ पे। यहाँ पे हमारे भाई साहब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे मराठा एम्पायर के बारे में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में। सो शुरू करते हैं गाइस ये किले की हिस्ट्री के बारे में। सो ये किला बंधा गया था मराठा एम्पायर ने 1656 में और ये 1656 से लेके 1689 तक मराठा एम्पायर ने इस पर बरकरार रखी थी अपनी पोजीशन। फिर मुगल एम्पायर ने इस पे कब्जा किया 1689 से 1707 में और फिर वो एक घिनौना दिन आ गया 9 मई 1818 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहाड़ कलकई से इस पर रायगढ़ पर गोला बारूद फेंक दिए और यस गाइस बहुत ही घिनौना दृश्य हुआ रहेगा वो, जो कि 12 से 13 दिन तक रायगढ़ फोर्ट पूरे मशाल की तरह जलता रहा। हिरकणीची कथा कविता वाचली असेल आपण, हिरकणी याच गडावरून आपल्या मुलासाठी खाली उतरून गेली होती बघा। पूर्वी नेमध्ये काय 5 वाजल्या नगर वाजल्या गड किल्ल्यांचे दरवाजे बंद करायचे, अजूनही सुद्धा 5:30 वाजले तर किल्ल्याचा मेन गेट आहे महादरवाजा तो बंद केला जातो। आता बघा पूर्वी जे नेम होते ते आताही नेम चालू केलेले आहेत। पूर्वी नेम होते का 5 वाजल्या नगर वाजल्या किल्ल्याचे दरवाजे बंद करायचे, हिरा नावाची गवलाणी गडावरती दूध दही विकण्यासाठी गडावरती जात असते बघा। एक दिवशी कार्यक्रम होता, कोचेगिरीचा कार्यक्रम होता, कार्यक्रम पाहत बसली। पूर्वी पाहत बसली तिच्या ध्यानी नाही आलं तर वेळ कधीही टालून गेली। 5 वाजल्या नगरे वाजल्या किल्ल्याचे दरवाजे हे बंद झाले आणि यस गाइस हम जहां पे बैठे हमारे पीछे टॉप पे एक दीवार है जिसे हम लोग बुरुज बोलते हैं और मराठी में तटबंदी कहते हैं। सो गाइज कहानी कुछ ऐसी है कि एक माँ के ममता की कहानी है। यस गाइज जब एक दूध बेचने वाली
एक औरत यहाँ पे किले पर आती थी और फिर से उन्हें जाना पड़ता है किले से, जब ये सनसेट हो जाता है तब उनको नीचे अपने अपने गांव में जाना होता है। बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन वो निकल नहीं पाई अपने रायगढ़ किले से और उनको उस रात को उस रायगढ़ पे ही रहने को कहा गया था, क्योंकि एक बार दरवाज़ा बंद होता है तो वो सबके लिए बंद हो जाता है, किसी के लिए नीचे आने के लिए वो दरवाज़ा फिर से खुलता नहीं है। ये हिरकणी महिला जो थी ऊपर बेचैन हो रही थी, अपने बेटे की चीखने की रोने की आवाज़ उनके कानों में गूंज रही थी। सो यस गाइस, उन्होंने हिम्मत करके साहस उठाकर, और ये जो एक खाई थी बहुत ही स्टीप थी, बहुत ही डेडली थी, तो उन्होंने उस रात को ही डिसाइड कर लिया कि वो अपने पहरेदारों के आंखों में धूल झोंक के यहाँ से नीचे उतरना है और अपने बेटे के पास जाना है। तो उन्होंने वो साहस किया और नीचे आ गए। शिवाजी महाराज जी ने उस महिला को बुला के लिया और कहा गया, ये खाई कैसे उतरे आप, ये करके बताओ। तो वो महिला जी जो थी, हिरकणी जो थी, उन्होंने कहा कि उस रात को मुझे ये खाई नज़र नहीं आई, मुझे सिर्फ अपना बेचैन रोता हुआ बेटा नज़र आया, इसके लिए मैं उसके ममता के लिए मैं नीचे उतर पाई, बट ये आज इतनी गहराई देखकर मैं ये नहीं कर पाई। तो शिवाजी महाराज ने डिसाइड किया कि यहाँ पे हिरकणी बुरुज के नाम से एक दीवार बंधी जाएगी। सो फाइनली इतनी जो मेहनत की, इतनी कसरत की वो इस महादरवाजे तक आने की। यस गाइस, फाइनली हम लोग वो महादरवाजा के यहाँ पे पहुँच ही गए, जो कि इसकी हाइट लगभग 65 to 70 feet हाइट है। यस गाइस, और इसकी नींव या इसके किसी भी हिस्से को आज भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा। तो हमें बेहद गर्व होता है कि हमारे जो टूरिस्ट है, ट्रैवलर्स है, इसकी इज्जत कर रहे, इसकी रक्षा कर रहे और इसको संभाल रहे। सो कुछ हमारे दोस्त लोग यहाँ पे हंसते हुए चेहरे, और मेम साहब हमें जो दे रही है वो छास है, वो छास पीकर हमें बहुत ही आराम मिला। सो हम लोग महादरवाज़ा से एंटर तो कर लिए, और यहाँ से ऊपर जो किले की टॉप मोस्ट पोजीशन है वो यहाँ से 600 फीट हाइट है, और तो ये तो सिर्फ एंट्रेंस रहा है। जो ड्रिंक देख रहे हो वो एक खास स्पेशल ड्रिंक है, जो कि हमारे ग्रुप में पानी का बॉटल लिया था, मिनरल वाटर, तो उसमें हम लोग ने सी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई किया है। सी स्क्वायर फार्मूला मतलब इसमें डबल सी स्क्वायर है, जो कि कोकम शरबत भी है और नींबू शरबत भी है, मिक्स करके पियो गाइस, ट्राई करके देखो, पूरी थकान गायब कर लेता है और हमें अंदर पूरी ठंडक मिलती है अपने शरीर में। और यहाँ पे ये जो नीचे एक तालाब दिख रहा है जिसमें अभी पानी बिल्कुल नहीं है, वो है हत्ती तालाब। यहाँ पे हत्तियों को नहलाया जाता था, दो हत्ती हुआ करते थे इस किले पर बस। और वो जो आप देख रहे हो वो एक पोल है, जो मल्लखाम पोल है। हमने इस भाई साहब से पूछा कि वो क्या ओरिजिनल है, इतने सालों तक वो अभी भी उसी कंडीशन में वहां पे खड़ा है, तो ये भाई साहब ने कहा यस, हाँ जी। हत्ती तलाव को लग के ही गंगा सागर लेक है, ये आप देख सकते हो अभी भी यहाँ पे कितना फ्रेश पानी है, जहाँ पे मछलियाँ है, बहुत ही अच्छा दृश्य है। तो पूरे फोर्ट पे वाटर सप्लाई ये गंगा सागर लेक से ही होता था। और नारा लगाते लगाते, जैसे कि जय भवानी जय शिवाजी, चीखते चीखते हमारा जोश, हमारे ये सारे सोसाइटी मेंबर्स में जो दिख रहा है आपको, ये हम लोग एंटर कर दिए हैं पालकी दरवाज़ा। पालकी दरवाज़ा से अंदर आते ही हम लोग को एक 6 chambers दिखते हैं राइट साइड में। ये एक एक चेंबर्स है जो कि उस समय रानियों का बेडरूम हुआ करता था। बेडरूम की साइज आप देख लो, बहुत ही बड़ा है ये चेंबर्स, 6 रानियों के लिए, रॉयल लेडीज़ जो कहा जाता है,
उनके लिए ये चेंबर्स बनाए गए थे। ऐसे 6 है अलग अलग, देख लीजिए कितने बड़े बड़े हैं, वाओ। और ये पूरा ऊपर छत हुआ करता था जिसको छावनी बोलते हैं, छावनी हुआ करती थी जो कि 1818 में जल के राख हो गई। सो ये भाई साहब हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, जैसे कि पालकी दरवाजे से एंटर करके आप सीधे सीधे जाते हो तो मेना दरवाज़ा लगता है। मेना दरवाज़ा जो खास जो महिलाएं हुए करती थी किले पर, जो रॉयल लेडीज़ थे उनके लिए खास वो एंट्रेंस बनाया गया था। सो हमें ये बताया गया कि ये भाई साहब ने हमें बताया कि ये जो हर एक चेंबर्स है वो चेंबर्स में, ईच एंड एवरी चेंबर में टॉयलेट है। एंड वो टॉयलेट आज के ज़माने में जो हम कोमोड बोलते हैं उस ज़माने में ये हुआ करता था। और अंग्रेज़ लोग ये कॉन्सेप्ट हमसे चोरी करके उन्होंने किया है और आज हम उसको ही इंग्लिश टॉयलेट कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली गाइस, तो यहाँ पे राशन अनाज यहाँ पे सेव किया करते थे। 3 चेंबर्स है यहाँ पे, एक जो ग्रिल लगाया हुआ है यहाँ पे, बीच में दोस्तों ग्रिल नहीं लगाया था और ये ग्रिल ना लगाने के कारण ऊपर से बहुत लोगों ने कचरा फेंका है। प्लीज़ गाइज ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ रिस्पेक्ट दिस हिस्टोरिकल प्लेसेस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रिल के वजह से ये पूरा क्लीन है, साफ़ है, इस पर कोई भी कचरा नहीं है। प्लीज़ गाइज मैं इस मामले में थकूँगा नहीं बिल्कुल, हमेशा जब भी मुझे ऐसा कुछ दिखा तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ज़रूर, आप कभी ना कभी तो समझ ही जाओगे, समझोगे ना। प्लीज़ गाइज मत कीजिए, धन्यवाद। सो अभी आप देख सकते हो एक्शन सीन हो गया है, ओ माय गॉड, कोळेकर साहब काय करता है, डायरेक्ट हिट केलं 6। थोड़स जलन होणार बट इतना कुछ नहीं है, चश्मे ने बचा लिया है शायद। कोई बात नहीं, अभी इसमें प्रूफ है, देखो गाइज हमारे पास प्रूफ है, कोळेकर साहब ने हिट किया है। तलवारबाजी चालू थी यहाँ पे रायगढ़ फोर्ट पे। तो ये जो चेंबर्स आप देख सकते हो यहाँ पे मंत्री लोग आते थे, तो वहाँ पे बहुत वीआईपी लोग जब आते थे तब यहाँ पे उनकी रहने की सुविधा की जाती थी। तो चलो गाइज आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ नज़ारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स, व्यू पॉइंट्स है, टोटल 45 व्यू पॉइंट्स है यहाँ पे गाइज, मोर देन 45 होंगे, बट सब कुछ तो नहीं बता सकता, आपको खुद एक बार विजिट तो करना ही पड़ेगा। वो जो आप 3-4 लोग वहाँ पे नज़र आ रहे वो लोग एक्चुअली नीचे जाकर आ गए। वहाँ पे 10 से 12 फुट नीचे स्टेयर्स है, स्टेयर से नीचे जाके वहाँ पे गुप्त चर्चा हुआ करती थी गाइस। गुप्त चर्चा यानी सीक्रेट टॉक्स जो भी है वो किले की अंदर जाके यहाँ पे किया करता था। और यहाँ पे माना जाता है कि वो कुछ भी बात करते थे तो साउंड ऊपर नहीं आता था, कहीं पर भी किसी को भी सुनाई नहीं देता था, तो यहाँ पे गुप्त चर्चा हुआ करती थी गाइस। अब यहाँ से हम बात करते हैं दीवाने आम और दीवाने खास की। यस गाइस यही वो जगह है जहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में एक दीवाने खास का एक कॉरिडोर है, एक जगह है, स्थल है बीचों बीच, और उसके चारों तरफ दीवाने आम लोग खड़े रहते थे। दीवाने आम और दीवाने खास की बात यही है, मतलब आप समझ सकते हो कि दीवाने खास मीन्स खासदार लोग जो ऊपर स्टेज पे मंच पे हुआ करते थे, वो लोग के लिए एक अलग जगह हुआ करती थी। तो वो जो स्क्वायर रेक्टेंगल देख रहे हो वहाँ पे दीवाने खास लोग रहते थे, और ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो यहाँ पे दीवाने आम लोग रहा करते थे। जो भी मीटिंग होती थी, चर्चा होती थी, यहाँ पे हुआ करती थी गाइस। फाइनली वी कैन से दैट वी हैव कॉन्क्वर्ड द रायगढ़ फोर्ट। यस गाइज जिस चीज़ के लिए हम लोग आए थे वो मेन अट्रैक्शन व्यू पॉइंट यही है, यही पर शिवाजी महाराज जी का यहाँ पे राज्य अभिषेक हुआ था, वो यही स्थल है, और शिवाजी की बहुत ही बढ़िया मूर्ति आप यहाँ पे दर्शन ले सकते हैं। This
एक्सपीरियंस वॉज समथिंग डिफरेंट। यस गाइस, जो आप नगर खाना दरवाज़ा देख रहे हो वहाँ पे सामने, वहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड में एक आदमी खड़ा है जिन्होंने हमें बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस करवाया कि वहाँ पे चुटकी भी बजाएगा तो यहाँ पे जहाँ पे मूर्ति है शिवाजी महाराज की वहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर साउंड सुनाई देता। तो उस ज़माने में ये साउंड इकोइंग का क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया रहेगा, वी डोंट नो गाइस। आज के ज़माने में तो सब कुछ पॉसिबल है, बट उस ज़माने में कैसे किया होगा ये सब। इसके बाद हम लोग ने वो दृश्य देखा जो बाज़ार हुआ करता था, और ये कोई मामूली बाज़ार नहीं हुए गाइस। यहाँ पे घोड़सवार होके आप सामान ले सकते थे, जैसे कि आज के ज़माने में मैकडी में ड्राइव थ्रू करके आप खाने की चीज़ें ले सकते थे, वैसे उस ज़माने में घोड़े पर सवार होके आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते थे। इस हर एक प्लेटफॉर्म की हाइट देखिए, चार स्टेयर्स ऊपर है, और ये इस ऐसे डिजाइन किया गया था कि घोड़सवार होकर भी आप शॉपिंग कर सकते थे। तो घोड़े के ऊपर से नीचे उतरने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी और दुकानदार को ऊपर ही ऊपर से दे सकते थे। इजी टू एक्सेस, इजंट इट। तो देखते ही देखते बाजार के आगे आकर हम लोग को लेफ्ट साइड में एक पॉइंट दिखता है जिसको एग्जीक्यूशन पॉइंट कहा जाता है। एग्जीक्यूशन पॉइंट तो ये इंग्लिश वर्ड हो गया, चलो मराठी की बात करते हैं। तर हा पॉइंटला आपन मन तो टकमक टोक। टकमक टोक में क्या होता था कि बेसिकली जो भी गुनहगार रहते थे, प्रिजनर्स रहते थे, कैदी रहते थे, उनको सजाए मौत दी जाती थी यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट उनको फेंका जाता था, सजाए मौत। उस दिन उस ज़माने में ऐसे मौत दी जाती थी। और कहा जाता है शिवाजी महाराज ने इस टकमक टोक का कोई उपयोग नहीं किया, किसी को सज़ा दी नहीं, बट संभाजी ने किसी को माफ़ भी नहीं किया। तो बाजार और टकमक टोक के बाद हम लोग पहुंचे जगदीश्वर टेंपल। जगदीश्वर टेंपल आप देख सकते हो हूबहू एक मस्जिद की तरह दिखता है। तो खास बात यही रही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का कहना ये था कि इसको हम रीडिज़ाइन नहीं करेंगे, ये जैसा है वैसा ही खूबसूरत है, और जो भी मुस्लिम लोग यहाँ पे आएंगे, जो भी उस ज़माने में विजिट करते थे, तो उनको ऐसा लगेगा कि हमारा खुद का मंदिर अंदर है, मस्जिद अंदर है, तो हम इस पे वार कैसे करें। तो यही एक रीज़न था, इसको कोई भी बदलाव नहीं किया गया, इसको जैसा है वैसा ही रखा गया। जगदीश्वर टेंपल में आप दर्शन लेने के बाद ठीक बैक साइड में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का समाधि स्थल है, यहाँ पे दर्शन आप ले सकते हैं। और कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक वफादार कुत्ता हुआ करता था जिसका नाम वाग्या हुआ करता था, तो वो वाग्या का यहाँ पे पुतला भी रखा हुआ है। As we have decided earlier, हमने सोचा था इंक्लाइन ट्रैकिंग करेंगे और डिक्लाइन रोपवे से आएंगे। तो ये रोपवे का हाइट है करीब करीब 400 मीटर और इसकी लंबाई है 750 मीटर, जो कि सिर्फ 4 मिनट में हमको नीचे पहुंचाएगा।